थोड़ा भाइयों, मैं किसान भाई का परिचय लूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा अपना परिचय दो पहले। नाम अमर सिंह है जी, गांव नूरनगर और मुजफ्फरनगर जिला है। तो आप किस तरह खेती करते हो जी? खेती जी और देख लो आप, ये गद्दा मटर, गन्ना मटर। तो ये आपने किस टाइम गन्ना निपटा दे इसमें? गन्ना जी शुरू में हो जाए दिसंबर, पहली दिसंबर से स्टार्ट कर दे गिरना। हाँ अच्छा। और ये दिल्ली जूस में जा सारा, चूसने में जा। तो आपने क्या लगा पेडी पेडी थी इसमें? पेडी मुड्ढा पाड़ गए। यो कद बोया गन्ना? ये गन्ना तो 15 फरवरी में बो दिया था इसमें। ये मटर पहले बो दी? मटर तो 1 दिसंबर की बोई हुई है। दिसंबर में जैसे जैसे खेत खाली होंगे ऐसे ही कोई तो 4 में, कोई 10 में, कोई 15 में, जनवरी 20 जनवरी तक बोते हैं। तो इसमें ट्रैक्टर क्या चलाया आपने? मतलब ये पहले खूड पाट दिए? खूड पहले पट जा जी, उस दिन जिस दिन भी जाइए उसी दिन। मटर ये चौबता है बखेरा था? बखेर भाई। क्या किलो बीज लगा इसमें? बीज तो जी जैसा समय हो समय के अनुसार बीघे का लगा के आप 4 किलो से फिर 10 तक चले जाओ जनवरी में। अच्छा, ऐसी मूठ मार के पखेर गए जी? खूड गैली पाट दी थे? खूल तो खूड उसी दिन निकल जाए। अच्छा, गन्ना बो दिया? गन्ना बाद में बो दे, झोटे से सफाई करा दे। अच्छा, एक बार हल चलवा दे? हल चला दे झोटे वाला। हाँ, साफ हो तो इधर से दिखाइए। मटर है ये भाइयों, ऐसे किसान है जिनका गन्ना मिल पे नहीं जाता, ये सारा गन्ना रस में देते हैं। तो आप फैक्ट्री में गन्ना डालते? नहीं जी, फैक्ट्री से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कितना गन्ना रखो अंदाजा? जो गन्ना तो दोनों भाइयों का होगा ही जी, कुछ ठेके की भी है जमीन, कुछ हमारे अपनी भी है। 250-300 बीघे का, 250 तो सारा खबर कर लो रसम। हाँ सब रसम ही जा पड़ता नहीं? नहीं, पेडी तो चूसने में जागी। अच्छा, और बोवड जो जागा वो जूस में जाएगा। मतलब चूसने में कहाँ जावा? भी दिल्ली दिल्ली, दिल्ली। अच्छा, मकई तो ठेलियों पर बिका जो चूसने। अच्छा अच्छा, कौन सा बीज बोया करो? अभी तो 84-36 ही चल रहा है, और ट्रायल लगे हुए हमारे और बीज। ये तो कैला छुलता होगा? नहीं नहीं, चुलाई की पीरी है सब। नहीं तो कोई इतना जंगल खाली पड़ा, सब में गन्ना बो दिया दोबारा जी जी। 100 बीघे के करीब मटर हो गया। 100 बीघे का मटर है? हाँ जी। तो ये प्लॉट है, ये वो मैं दिखा दूंगा सारे। ये भाई सह फसली खेती बोलते हैं इसको? बस यह साहब पैसे मिल गए ठीक, नहीं तो खाद लग जाएगा और कहा। अच्छा, मटर खाद लग जाएगा खाद की वजह से मेन। तो ये कैसे करोगे? मशीन में काटोगे, थ्रेशिंग करो, क्या करो? नहीं नहीं, पापड़े टूटेगी लेबर, पापड़े तोड़ेगी, बाकी जोत दोगे? बाकी ही जोत देंगे। कैसे है बड़ा ट्रैक्टर? बड़ा ट्रैक्टर जोतता कैसा? सेवा है रोकर के? नहीं, रूटर चला था गन्ना का। सेवा सेवा जी, दो दो अंगड़ का गन्ना रहेगा, गन्ने में कोई दिक्कत नहीं, ब्लेड खोल कर जुताई। अच्छा अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। 10 कुंटल के बिकेगी, कट जाएगी 10 कुंटल के लिए? हाँ, इतने पैसे मार दे ना। है क्या रेट होगा जाना भाई? 50 का भाव आज का भैया। देखो कितना मोटर है इनके पास, अंदाज कितना रखा मोटर आपने? 100 के आसपास है भाई। गन्ना ये 84-36 भी है, देखो कितना अच्छा खड़ा है। इधर का दिखा ना जो भैया जी, कब बोया था आपने? वही फरवरी के। फरवरी कब बोया? फरवरी मटर में निकालते तो ऐसे अप्रैल में, अप्रैल में मटर खत्म हो जा। अच्छा, तो फिर इसकी मरम्मत हो जा, जर्मिनेशन हो जा अंदर अंदर। अच्छा अच्छा, ये मरम्मत। तो आप गन्ने की प्योत तैयार नहीं करते? नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट वो भी खड़ा ही प्योत कर? नहीं, बाद का खड़ा जी, वो तो वो हमने करके देख रखा, वो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। छोटा मोटा काम हो जा, बड़े काम में बड़ी लेबर लगा, 20-30 आदमी, और इतनी जल्दी हम इसमें ही लगे रहे तो बस हमारा तो काम खराब हो जाए। बिल्कुल सही है। तो आप सिर्फ एक ही बीज बोते हो 84-36? तो थोड़ा सा सुकून भी मिला, खेती भी हो जाए तो उसी में फायदा। अगर दुखी हो जाए तो दुखी होने से भी खेती का क्या लाभ? ना ना, सही कह रही, दुखी होने से फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दुख होगा ज्यादा भी निकल जाए बढ़िया नहीं, थोड़ा सा सुकून में मिल जाए काम तो सुकून से थोड़ा कम भी निकल जाए वो भी अच्छा बढ़िया। सारा सीधा खड़ा कहीं एक गन्ना तिरछा नहीं है गिरते ना, ये वाला और भी हाइट भी अच्छी हो रही है ज्यादा शानदार गन्ना। ये तो बहुत ज्यादा सीनियर ही प्लॉट है, 2 हेक्टेयर के प्लॉट है ये सीनियर। अच्छा, हमारे इधर तो किसान ने रिजेक्ट कर दिया बीज,
क्योंकि लंबाई कम बढ़े देना होने का भी नहीं, इसमें 11 फुट का गन्ना निकलेगा इस खेत में। अच्छा जी, लास्ट तक अभी तो बढ़ेगा और भी बहुत बड़ा। तो आप 11 फुट कैसे करोगे? हमारे यहाँ तो नुकसान 6 फुट ज्यादा नहीं पड़ता है। नहीं हो जाओ, 10 तक तो हो जाओ, 10 तक हो जाओ। 10 तो बहुत है जी, 10 तो बहुत है जी, बहुत है। 10 तो हमारे यहाँ वैसे भी ना होता भाई। देखो रह गया था थोड़ा सा, 2 बीघे पिंडी रहेगी जी। ये खेत है, ये करीबन 6-8 फुट गहराई है, उधर और गहराई है। किसान की हिम्मत मानता हूँ मैं, किस तरह खेती कर रहे हैं ऐसे। ये नीम जी लग जा जहाँ पैदा हो जा, इसी चिड्डी की हो जाती है। किसान भाइयों देखिए चक कितना ऊंचा है, सामने ट्रैक्टर में गन्ने भरे जा रहे हैं, यहाँ झील में खड़े हैं, ट्रैक्टर बैक हो रहा है। 53-10 मोटर की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों। ये मोटर है हाइब्रिड, जो बहुत महंगी बिकती है किसान के पास। काफी कितने खेत खड़े हैं इनके, देखो ये खड़ा, ये खड़ा, और पीछे वीडियो में दिखाया मैंने, ये नए नए गन्ने की वैरायटी बोल रखी किसान भाई ने। नाम का मुझे पता नहीं गन्ने वैरायटी का, इन्हें पता होगा। भाइयों ये 53-10 है जॉन डियर ट्रैक्टर जो चला हुआ आ रहा है, ये देखिए आप कितना बड़ा ट्रैक्टर है। इन किसान भाई के पास में 2 ट्रैक्टर हैं, एक तो जॉन डियर ये है 53-10 भाइयों, एक इनके पास 75-50 कौन सा है वो 4x4, 2 ट्रैक्टर हैं भाइयों। जमीन जो है करीबन 150 बीघे बो रहे हैं, गया गन्ने लेके नीचे ऊपर को रखे। भाई देखो किसान भाई ने पपीते बो रखे किनारे पे, अब सब्जी बोएंगे। 12-14 बीघे सब्जी रखते हैं हर साल, चटेली का रूटीन बन जाता है, घर का खर्चा निकलने के लिए। भाई ये नीचे खेत में मटर है, ये ऊपर चक है, इसमें भी मटर बो रखी है। सामने गन्ना खड़ा है, 5-6 खेतों मटर बो रखी है भाइयों। इसमें गन्ना बो दिया किसान भाई ने, फरवरी में बोया गन्ना, देखो गन्ना बो दिया इसमें। पहले मैं मटर बोई पखेर गया, देखो कितने एक साल बीज जम रहा है भाई। फिर गन्ना बो दिया, देखो सारे खेत में गन्ना बोया इन्होंने, अभी 10 दिन पहले बोया जब मटर छोटी थी। मटर कट जाएगी गन्ना हो जाएगा। ये रात 1-2-3-4 खेत भाई यहाँ मटर के, एक इस गन्ने से परे है, और 4-5 खेत उधर है। जब शुरू में आए थे वीडियो बनाई थी हमने भाई, जो वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार।